अगर कोई पत्थर दिल महबूब, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा है, आपके फीलिंग्स को समझ नहीं रहा है, आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, आपके जज्बात को समझ नहीं रहा है, तो ऐसे में उसको पिघलाने के लिए, उसको मोम करने के लिए और अपना फर्मा बरदार बनाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, यहाँ पे ये जो मैं अमल बताने वाला हूँ, ये इस्मे आज़म का अमल है, बड़ा ही मजबूत, बड़ा ही ताकतवर अमल है। ख़ासियत ये है कि ये अमल बड़ा ही आसान है, और ख़ासियत इसकी ये भी है कि इसको आप बिना किसी को कुछ खिलाए पिलाए, बिना किसी झंझट के, बिना कुछ खर्च किए भी आप उसको अपना फर्माबरदार बना सकते हैं, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये बेहतरीन मोहब्बत का इस्मे आज़म वाला अमल आपके हवाले करते हैं। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, कई बार ऐसा देखा गया है, मैंने कई केसेज में ऐसा देखा है, ये पाया है कि कोई ऐसा होता है कि वो अपने प्यार करने वालों वाले के लिए कुछ ध्यान नहीं देता है, और उससे मोहब्बत करने वाला दिन रात उसके लिए बेहाल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी में मोहब्बत पहले थी, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, और अचानक से किसी प्रेशर की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, या किसी भी वजह से वो दोनों अलग हो गए, तो अब जिसके ऊपर प्रेशर है या जिसके ऊपर मजबूरी है, वो भी परेशान और उसका साथी पार्टनर परेशान, दोनों परेशान। कई केस में ये होता है कि एक तो संभल जाता है, कोई संभालने वाला होता है, और दूसरे का हाल बेहाल रहता है, और वो दर बदर की ठोकरें खाता है, और कई बार तो वो काफ़ी कुछ कर गुज़रने की भी इरादा रखता है, या कई लोग कुछ कर गुज़र भी लेते हैं। बहरहाल, ये बेहतरीन अमल आपके हवाले करना चाहता हूँ, और ये आपको बताना चाहता हूँ कि कोई कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, वो आपकी मोहब्बत का शिकार होगा। अगर कोई रूठा हुआ है तो वो मान जाएगा, और अगर किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है, वो दिखावा करता था, किसी मतलब से आपके साथ था, तो उसके दिल में भी इस अमल की बरकत से आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। शर्त ये है कि आपका मकसद जायज होना चाहिए, आप शादी का इरादा रखते हों या आपकी मोहब्बत जायज हो, जैसे मियां बीबी की मोहब्बत है, पति पत्नी की मोहब्बत है, जायज है, पाक मोहब्बत है, तो दोनों एक दूसरे के लिए इस अमल को कर सकते हैं, वह आशिक माशूक भी इस अमल को कर सकते हैं, कोई किसी के लिए भी करे, जायज मोहब्बत होनी चाहिए। अमल क्या है? अमल अगर कोई हिंदू भाई करे तो वो कैसे करेगा बताता हूँ, और इस अमल का जो तरीका है वो क्या है आप जान लीजिए, कि बाद नमाज असर इस अमल को किया जाएगा। हो सकता है ये अमल आपने सुना हो या आप जानते हो, लेकिन सुनिए ये अमल का प्रॉपर तरीका क्या है। बाद नमाज असर इस अमल को किया जाएगा, किबला रूह होके एक गिलास खुशबूदार शरबत बनाना है, उसमें गुलाब जल, केवड़ा वगैरह डालना है, मीठा शरबत बनाए, बढ़िया पाक साफ शरबत हो। असर की नमाज पढ़ने के बाद बनाएं, चाहे बना के रख लें, असर पढ़ें, उसके बाद फौरन अमल शुरू कर दें। बढ़िया सा शरबत बनाएं और सामने रख लें, शरबत को सामने रख लें, अब उसी मुसल्ले पे बैठ के क़िबला रूह हो के आप एकदम मजबूती के साथ, दिल की गहराई के साथ ये तसव्वुर करें, ये कल्पना करें कि आपका महबूब आपके सामने ही बैठा है, और आप आँखें बंद कर लें। अब यहाँ पे एक हज़ार दाने की तस्बीह आपके पास हो तो ठीक है, या टेलीकाउंटर से भी आप काम चला सकते हैं, या जो है 100 दाने की तस्बीह से भी आप काम चला सकते हैं,
बस आपने ध्यान देना है तादाद का, गिनती का। सामने आपने केवड़ा गुलाब जल से बना बढ़िया खुशबूदार पाक साफ शरबत रख लिया। क़िबला रू आप बैठे हैं और अब आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर इस अमल में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, कोई भी दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, और 1400 मरतबा या वदूदू पढ़ा जाएगा। जब आप अमल पढ़ना शुरू कर दें तो आपकी आंखें बंद होना चाहिए। बहुत ही मजबूती के साथ ये कल्पना करना है कि आपका महबूब आपके सामने ही बैठा है और उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो रही है, वो आपकी तरफ आ रहा है, वो आपका हो रहा है, वो जो है पिघल रहा है। ये मजबूती के साथ आपने कल्पना करना है और बड़ी ही ईमानदारी के साथ इस अमल को करना है, बड़ी ही पाकिजगी के साथ इस अमल को करना है और दिल की गहराई के साथ इस अमल को करना है, पूरे अकीदे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस अमल को करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहले ही दिन आपका महबूब हाजिर होगा, आपका फर्मा बरदार होगा। इन केस पहले दिन काम नहीं होता है तो 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन या 21 दिनों तक आप इस अमल को करते रहिए। इंशाल्लाह कैसा भी महबूब होगा, कैसा भी मैटर क्यों नहीं होगा, चाहे मोहब्बत पैदा करना हो, चाहे रूठे को मनाना हो, चाहे किसी ने एंगेजमेंट तोड़ दिया हो, चाहे किसी का पति या पत्नी चली गई हो, भाग गई हो, तमाम तरह के मसाइल को हल करने के लिए ये इसमें आज़म बड़े काम का है, बड़ा ताकतवर, बड़ा पावरफुल अमल है। और इस अमल के ज़रिए आप अपनी मोहब्बत को पा ही लेंगे। और यहाँ पे एक बात फाइनल जुमला आपको बता दूँ कि अगर कोई इस अमल को 40 दिनों तक करता रहा तो उसका महबूब चाहे अमेरिका में बैठा हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, उसके लिए बेकरार हो जाएगा। अगर उसके पास उसका कॉन्टेक्ट है तो उससे वो कॉन्टेक्ट किए बिना रह नहीं पाएगा, और अगर कॉन्टेक्ट नहीं है तो बग़ैर उससे मिले वो रह नहीं पाएगा, वो फौरन दौड़ा चला आएगा। ये तासीर है इस अमल में। तो डिपेंड करता है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, कर कैसे रहे हैं, और आपका मैटर किस टाइप का है, किस तरह का है, उसी हिसाब से इस अमल में टाइम लगता है, लेकिन काम 110% होता है। और अगर कोई हिंदू भाई करना चाहे तो वो इस तरह करे कि वो पश्चिम की तरफ मुँह कर ले। अगर वो हिंदुस्तान में बैठा है तो वो पश्चिम की तरफ मुँह कर ले, पश्चिम की तरफ मुँह कर ले, और जिस जगह पे वो बैठा है या बैठी है उस जगह को पाक साफ कर ले, खुशबूदार कर ले, और अपने कपड़ों पर भी खुशबू लगाए और पाक साफ रहे, और यही इसी तरीके को अपनाए कि कल्पना वगैरह जो है, जो मैंने डिटेल बताया, उसको एकदम मजबूती के साथ करे, और हिंदू भाई भी इस अमल को करे। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत तो सभी के लिए है, अल्लाह के बंदे तो सभी हैं, तो कोई अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं हो सकता है। जिसने भी रब को दिल से पुकारा, अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी सुनी, जिसने अल्लाह को पुकारा अल्लाह ने उसकी मदद की। अल्लाह तबारक व ताला 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है साथियों, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें अगर जूते का चश्मा चाहिए तो तुम रब तबारक व ताला से मांगो। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो अपने रब के हुजूर अपने आप को टोटली सरेंडर कर दो, टोटली सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी, और अपने हस्ती को मिटा दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। तौबा करने के बाद अपनी फरियाद को, अपनी दुआ को अल्लाह की बारगाह में रखिए, फिर देखिए क्या होता है कमाल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त,
मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल ताबीज नुस्खे के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।